क्या है नोब की फुल फॉर्म? क्या एलियंस देना चाहते हैं हमें एक सीक्रेट मैसेज? दोस्तों, डायरेक्टर जॉर्डन पील की अपकमिंग हॉरर मूवी नोब जल्दी रिलीज होने वाली है, जिसके लिए ऑडियंस काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोस्तों, साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म गेट आउट से डायरेक्टर जॉर्डन पील ने अपना नाम हॉरर जॉनरा में सबसे ऊंचे स्थान पर दर्ज करा लिया था। एंड सिंस देन जॉर्डन हैज़ बीन स्टॉप्ड और वो हमेशा अपनी हॉरर मूवीज़ के जरिए हमें एक न्यू स्टोरी लाइन से परिचित कराते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर जॉर्डन पील ने रिवील किया था कि मूवी गेट आउट ना ही एक ऑटोबायोग्राफी है और ना ही किसी सच्ची कहानी पर आधारित है, लेकिन फिर भी वो मूवी उनके लिए काफ़ी पर्सनल है और शायद इसीलिए डायरेक्टर जॉर्डन की बाकी सारी फिल्में भी काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई हैं, क्योंकि वो हर मूवी में एक पर्सनल हिंट का तड़का ज़रूर लगाते हैं। वेल हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड हॉरर मूवीज नोब के बारे में। दोस्तों, ऑल्दो अभी मूवी के टाइटल से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई है और सबको यही पता है कि फिल्म का नाम है नोब, लेकिन दरअसल इस नोब के पीछे छुपा है एक बड़ा हिडन मैसेज। दोस्तों, यहाँ नोब की फुल फॉर्म है नॉट ऑफ प्लैनेट अर्थ। मेकर्स इस फुल फॉर्म को ऑडियंस से सीक्रेट रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे फिल्म का पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा और सभी को पता चल जाएगा कि मूवी एलियंस, यूएफओज और सुपर नेचुरल पावर्स पर बेस्ड होने वाली है। बता दें कि अभी तक मूवी के प्लॉट को इस तरह से गेस किया जा रहा है कि धरती पर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से घोड़ों में कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर दिख रहा है और इसे देखकर सबको ऐसा लग रहा है जैसे ये सुपर नेचुरल पावर्स या फिर ये एलियंस घोड़ों को कुछ नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस मूवी की एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये एलियंस या फिर सुपर नेचुरल पावर्स इन घोड़ों के जरिए हम इंसानों को कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। फिल्म के एक पोस्टर में एक घोड़े की तस्वीर दिखाई गई है, जिसके आगे के दो पैर ऊपर हवा में हैं और वो आकाश में देख रहा है। और अगर आप उस घोड़े को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके पेट के अंदर एक एलियन जैसा सा चित्र नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर जॉर्डन पील हमें ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ एलियंस के सोल में भी इन घोड़ों में ट्रैप हो चुके हैं और वो इसके जरिए हम इंसानों को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और वो मैसेज ये है कि वो भी धरती पर अपनी एक न्यू लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं कैलिफोर्निया के डेजर्ट में इस सुपर एक्साइटिंग घोड़ों और एलियंस की राइड के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।